और फिर इसको आप प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने इसको जोड़ा है, इसी तरह से हम ब्लॉक्स को जोड़ेंगे। ये एक आइडिया है, मैंने इस आइडिया से इस बार टेबल मैट्स और टेबल रनर बनाया है, लेकिन यही आइडिया से आप बेड कवर्स बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, कोस्टर्स बना सकते हैं, गरम खाना रखने के लिए बना सकते हैं, पूजा थाली कवर, मतलब जो आपका मन है, ये आपकी चीज़ है। सिंपली ब्यूटीफुल फैब्रिक आपको बस हेल्प करता है कि आपके पास पूरी रेंज आ जाए और आप जो चाहें उसे बना लीजिए। अब हमने इसको मैट को फिनिश कर लिया है और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसे आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो हमने इसको जोड़ा है, हम लोग इंडिया में इसको पैचवर्क बोलते हैं, वेस्ट में इसको पीसिंग बोलते हैं। अब हम इसको क्विल्ट करेंगे। यहाँ पे कई टेलरिंग शॉप्स जहाँ पे आप ये लेने जाएंगे, उसको ये पैडिंग भी बुलाते हैं। तो ये फ्यूज़िबल है, फ्यूज़िबल मतलब इस पर आप प्रेस कर सकते हैं और जैसे आप प्रेस करेंगे ये चिपक जाएगा, तो फिर आपको पिनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको फटाफट कर सकते हैं। ये मैंने नीचे के लिए कपड़ा लिया है बैकिंग के लिए, तो ये तीन लेयर्स से बनता है फ्यूज़िबल क्विल्ट हमारा। ये लोएस्ट लेवल है, इसके ऊपर हम इसको फ्यूज़िबल को लगा देंगे ऐसे, और आप देखेंगे कि हम हमेशा हमारा फ्यूज़िबल थोड़ा बड़ा काटते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि क्योंकि ये खिसकता है, फिर भी खिसकेगा, तो इसलिए हम इसको पहले इसके साथ चिपका देंगे। अगर ये फ्यूज़िबल है तो हम इसको स्टिक करेंगे, और अगर आपको रेगुलर बैटिंग मिली है जिसको पैडिंग भी बुलाते हैं, तो आप उसको बस पिन अप कर लीजिएगा। पिन करने में ध्यान रखिएगा कि ये बबल्स निकल जाएं। जल्दी से इसको आयन कर देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा मूव इस तरह से कर रही हूँ ताकि बबल्स अगर कोई हैं दोनों लेयर्स के बीच में तो वो बबल्स निकल जाएँ। अब आप देखिए ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब मैंने ये अपनी लास्ट लेयर इस पर लगाई, अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप आप हर जगह ध्यान से करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये फिर कपड़ा खिसकता नहीं है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो हम ये जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, हम इसको स्टिच करेंगे, इन सबको मिलाएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से। आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि ये कपड़े को आप जब मशीन में डालेंगे तो थोड़ा पुश करते जाइएगा, ख़ास तौर पे जहाँ पे ये जॉइंट्स हैं। और ये हमारी फिनिश मैट मैंने एक पहले बना रखी है, वो रेडी हो गई। इसमें हमने सब तरह से स्टिच, तो ये देखिए पीछे के स्क्वायर्स आ गए हैं। अब आपको मैंने जैसे कहा था कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा था बैटिंग और बैक लेयर, अब हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब हम ये कपड़ा जो है बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उससे ये थोड़ा फ़र्क है, हम इसको 3 इंच की चौड़ाई से काटेंगे, 3 इंचेस। आप देखिए आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो फाइनली जब ख़त्म होते हैं, जो घिसते हैं वो पाइपिंग से घिसते हैं, क्योंकि वहीं पे वो ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है और वही फटने लगता है या उधड़न खुलने लगता है, एक्चुअली फट जाता है, ख़त्म हो जाता है वो पाइपिंग से। तो इसलिए हम जो पाइपिंग लगाएंगे हम डबल कपड़े की लगाएंगे, इसको दुगना कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने चौड़ा काटा है। एक आप ऐसे रखिए और दूसरा जो सेम कट है बहुत ध्यान से मिला के, कहीं भी नहीं, एकदम प्रिसाइसली मिला के, ये देखिए हमने इसको मिला लिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये कोना बिल्कुल कोने से मिले, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट मिला के हम एक डायगोनल लाइन बनाएंगे ऐसे, ये सॉरी। अब मैं इसको इस प्रकार से जोड़ लूंगी। ये हमारा बायस जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज बन गया है, इसको हमने ऐसे खोल के प्रेस कर दिया है। और इसको आप आधा करके
इस तरह से फिर से प्रेस कर दीजिए। ये कपड़ा मैंने प्रेस किया है, उसको मैंने राइट एंगल पे फोल्ड किया है, एक ट्रायंगल लिया है और फिर इसको मिलाया है। अब ये किनारे से मत शुरू करिएगा, आप इसको थोड़ा नीचे से शुरू करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से शुरू करिएगा। और मैं पिन लगाऊंगी। ये मेरे जो तीनों लेयर्स हैं, अब इनको मैं इकट्ठा असेंबल कर रही हूँ और मैं इनको पाइपिंग लगा रही हूँ, बाइंडिंग दे रही हूँ। अब हम इसको थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे सिलाई। ये हम बहुत जने जो स्टिचिंग करते हैं वो भी हम इस चीज़ में बहुत घबराते हैं कि टर्न कैसे करें, इसलिए हम उसको काट के जोड़ते हैं। पर एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है वो टेक्निक। ऑल आपको करना है इस यू, ये देखिए मैंने ये यहाँ तक सिला है। अब मैं इसको एक राइट एंगल पे लेके आई हूँ, मेरी ये पाइपिंग को आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे टर्न ओवर कर रही हूँ, ऐसे करके अब हम इस लाइन को ऐसे पिन अप कर लेंगे। हमने एक साइड इसको पिन अप कर दिया है, तो ऐसे आपने चारों साइड्स करने हैं। अब हम एकदम अपने लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, इसको फिनिश करने के स्टेज पे। और अब हम इसको थोड़ी सी ही सिलाई करके उठा देंगे। हमने अपना कॉर्नर बेंड करा है, बस वहाँ तक हम गए हैं। ये जो आखिरी सिरा है इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। आप देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट आधे से पौना इंच फोल्ड कर रही हूँ, हाथ से ही प्रेस किया, दबाया। इस तरह से इसको फोल्ड करके, ये इसको खोल के, ये जो पहले सिला था और जो गैप छोड़ा था उसको खोल के उसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं। और इसको पिन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है यहाँ पे। और अब हम इसको ऐसे घुमा के, अब देखिए आप ये जो कोने हमने वो करे थे ट्रायंगल, हम उसको मोड़ेंगे तो वो कैसे, आप देख रहे हैं ये लाइन आ गई, तो ये हम चाह रहे थे। तो अब हम बस उस कोने को मोड़ के हम पूरे अपना जो ये है टेबल मैट, इसको देखिए कैसे मैं ध्यान से, ये क्वार्टर इंच अलाउंस में हमने इसको ऊपर ओवरलैप करा है। और अब हम ये हेमिंग करके चारों तरफ इसको फिनिश कर देंगे। और हमारा आखिरी स्टेप भूलना नहीं, प्रेस करना है, आयन करना है। ये हमने ये लाइन ऑफ फैब्रिक्स चुना है, लेकिन आप बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी बहुत सारे हैं। हम ये चीज़ हमारे गामटी लाइन में भी कर सकते हैं। आप इसको चारों तरफ से ऐसे कर लेंगे तो ये आपकी मैट तैयार।